चलो फिर से वीडियो मिलते हैं दोस्तों में नई थी। उस आज की वीडियो में बात करूँगा फेडरल बैंक का बैलेंस कैसे चेक कर दोस्तों। आप सभी ने कमेंट्स कर रहे थे कि फेडरल बैंक का भी बताइए, फेडरल बैंक का बैलेंस अपने मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में आपको बताऊँगा और लाइव प्रूफ भी दिखाऊँगा, जो कि आप फेडरल बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं घर बैठे ही मोबाइल से ऑनलाइन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं। तो सभी तक मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, प्लीज़ टच कर दीजिएगा। बराबर में एक नोटिफिकेशन बेल आने की घंटी के निशान, उसे टच करके ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सब्सक्राइब करें तो घंटी को जरूर दबे। तो यहाँ पर चेक करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको प्ले स्टोर में जाना है। आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है, यहाँ पर सर्च करना है बैंक बैलेंस। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो कि नाम है ऑल बैंक बैलेंस चेक, सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। मैं यहाँ पर डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टेड पर कर दीजिए क्लिक, ठीक है। तो आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोर्थ नंबर ऑप्शन आपको दिख जाएगा, तो सिंपली आपको फर्स्ट नंबर पे करना है क्लिक। यहाँ पर देखिए लिखा है ऑल बैंक, फर्स्ट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा आपको ऑप्शन बैंकिंग आ जाएगा, तो यहाँ पर अपना बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ बैंक सेलेक्ट, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर देखिए फेडरल बैंक आ चुका है, तो सिंपली इस पर करेंगे क्लिक। फेडरल बैंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तीन तरह का आपको नंबर दिख जाएगा, जैसे कि बैंक बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट और यहाँ पर कस्टमर केयर। अब इनसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर करके भी दिखाऊँगा, तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशन यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप चेक कर पाएंगे। पहला नंबर कि आपका जो बैंक है, यहाँ पर बैंक पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड यानी लिंकेड होना ज़रूरी है। तो फेडरल बैंक में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, लिंकेड होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो वरना नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आपका लिंकेड है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो आप अपना लिंकेड करिए। अब चलिए बताते हैं जिनका लिंकेड है वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा लिंकेड है, तो मैं आपको करके भी दिखाऊँगा क्या करना है। ये देखिए जो नंबर है यहाँ पर लिखा है बैंक बैलेंस, इस नंबर पर आपको एक मिस कॉल करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपका मोबाइल नंबर जो बैंक में लिंक है उसी मोबाइल नंबर से, ठीक है, उसी मोबाइल नंबर से इस नंबर पे आपको एक मिस कॉल करना है। आप कॉल भी करेंगे ना तो आपका कॉल कट जाएगा, एक मिस कॉल जाएगा, और जैसे उधर से एक मैसेज आएगा जो कि आपका उधर से लिखा है कि आपका इतना बैंक बैलेंस है, जो कि मैं अभी करने वाला हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वही मोबाइल नंबर से करना होगा जो आपका लिंकेड है, और उसी नंबर से करेंगे तो होगा। अब यहाँ पर मेरा मिस कॉल चला गया, ऑटोमेटिक कॉल कट जाएगा, मैसेज भी आ गया, कॉल भी कट गया। तो अब चलिए मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैसेज आपको जूम करके दिखाता हूँ, जो कि लिखा है डियर कस्टमर द बैलेंस फोर अकाउंट नंबर आपका इतना है, जो कि लास्ट का आपको मैं फोर डिजिट का दिखाता हूँ। फोर डिजिट का लास्ट अकाउंट नंबर मेरा इतना है, जो कि यहाँ पर देखिए लिखा है INR, मतलब इंडिया करेंसी आपका इतना है, जो कि आपके बैंक में इतना बैलेंस है, जो कि अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं मिस कॉल के थ्रू। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका नहीं चेक नहीं हो पा रहा है तो एक बार अपने कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। सुबह बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय।